बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एजुकेशन हेल्पर चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास के मुतालिया पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनके इस बार पेपर में आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो जितने भी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा, ये आपके पास पेपर में भी आ चुके हैं और इस बार भी जिनके आने के चांसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा आपने जो है वो इन्हें अच्छी तरह याद करना है, ताकि आपका पास स्टडी के लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो पोर्शन जो है वो अच्छा सा अटैम्प्ट हो सके। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है दस्तूर पाकिस्तान 1973 के चंद अहम नकात बयान करें। दूसरे नंबर पर है बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत की असलाहत नकात या वाक़ियात बयान करें। थर्ड पे है मोहम्मद नवाज शरीफ के दूसरे और तीसरे दौरे हुकूमत की असलाहत बयान करें। स्टूडेंट, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपने अच्छी तरह याद करना है। इसके अलावा मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट्स का भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि इसी चैनल में अपलोड करूँगा, ठीक है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको जो है वो 10th क्लास के दूसरे सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो वीडियो जो हैं वो मिलती रहें। तो लिहाजा आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको दूसरे जो सब्जेक्ट्स के वीडियो हैं वो मिल सके, ठीक है। चौथे नंबर पर क्वेश्चन है हमारे पास, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किन असलाहत का आगाज़ किया। पाँचवें नंबर पर है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद बयान करें। छठे नंबर पर है मसला कश्मीर पर नोट लिखें, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और पांचवा जो क्वेश्चन आपको बताया, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद बयान करें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सातवें नंबर पर जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, वो है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बयान करें। इसी तरह आपने जो है वो अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी इसी के साथ याद करने हैं, ठीक है। ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ताल्लुकात, ठीक है, कौन कौन से, पाकिस्तान और चीन के और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, ठीक हो गया। नेक्स्ट है नौवां क्वेश्चन, दुनिया में क़ियाम अमल में पाकिस्तान का किरदार बयान करें, ठीक है, दुनिया में क़ियाम अमल में पाकिस्तान का किरदार लिखें। 10th क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम में पाकिस्तान का किरदार बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माशी तरक्की के लिए अशरे 1958 से 1968 तक माशी तरक्की के अहम पहलू बयान करें। आगे है मादनियात से क्या मुराद है, पाकिस्तान की धाती मादनियात बयान करें, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में शोबा तालीम के दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़ दें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान में जो शोबा तालीम को मसाइल आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, और इसके अलावा उनका हल भी दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपने मुकम्मल याद करना है। नेक्स्ट है, पाकिस्तानी माशरे और पाकिस्तानी सकाफत के खसूसियात बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सियाहत की अहमियत बयान करें। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके 10th क्लास के पाक स्टडी के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। इसके अलावा शॉर्ट्स क्वेश्चन की जो वीडियो है वो भी मैं अपलोड करूँगा। जब आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वो भी वीडियो जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा आपको उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जब वो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ, किसी भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोस वो आपको मिल सकें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।